दिस इज एमटीवी स्प्लिट्सविला 10। क्या बात है सिद्धार्थ और अक्षिता, आइडियल मैच। आज के इस बे वॉच सेशन में आप दोनों को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। आज का बे वॉच एक्टिविटी का नाम है लिक एंड पिक। लिक एंड पिक सुन के मेरी तो मतलब हवाइयां उड़ गई। सारी लड़कियां बोल लाइक व्हाट व्हाट। आई वाज लाइक लिक किसको करना है, पिक किसको करना है। साइंस के हिसाब से जो आपकी टंग है वो बॉडी की सेकंड मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है, और आज आपको अपनी टंग का बहुत जरूरत पड़ेगी इस एक्टिविटी में। सुनते ही लगा हे भगवान। ऐसे टेस्ट हैं जो अलग अलग एफ्रोडीजियाक्स हैं। यू नो व्हाट एफ्रोडीजियाक्स आर? चॉकलेट, चॉकलेट, वाइन, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। एफ्रोडीजियाक्स वो फ्लेवर्स, वो फ्रूट्स, वो चीजें होती हैं जिससे अ पर्सन गेट्स अराउज्ड। तो ऐसे ही कुछ एफ्रोडीजियाक्स हैं जो आपको अपने सेकंड मोस्ट सेंसिटिव बॉडी पार्ट से टेस्ट करके आइडेंटिफाई करने। इस बे वॉच सेशन में लड़कियां मैक्सिमम 3 पॉइंट्स जीत सकती हैं। लड़के आपको पॉइंट्स वॉइंट्स जीतने की कोई जरूरत नहीं है। यू गाइस आर जस्ट लाइक फर्नीचर टुडे। वी आर जस्ट गोइंग टू बी यूजिंग योर बॉडीज। सब लड़कियों के चेहरे उस टाइम देखने वाले थे, खुशी देख सकती थी, मतलब क्या भाई क्या, हाउ लकी। लड़कों को लिटरली जाके मतलब लिक करना पड़ेगा। बेसिकली हमारे पास 3 अलग अलग बोल्स होंगे, एक में लड़कों के नाम होंगे, और एक में होगा बॉडी पार्ट्स, और तीसरे में होगा वो एफ्रोडीजियाक, कोई ऐसी चीज जो आप टेस्ट करके बताएंगे कि क्या है। अगर आपने आइडेंटिफाई कर दिया इन तीनों चीजों को, आपको मिलेंगे 3 पॉइंट। अगर एक चीज को, विच इज द टेस्ट, तो 1 पॉइंट, और तीसरा अगर आपने लड़के को भी आइडेंटिफाई कर दिया तो फुल मार्क्स 3-on-3। But the best part is up sabhi girls will be blindfolded. What? Oh. No. तो ये बॉडी पार्ट तो आप तब भी फील कर सकते हैं कि अगर नेक है तो वो सॉफ्ट स्किन होती है, पर लड़का कौन है अब ये कैसे पता चले? Boys ready? Yeah. Yes, we are. Who's ready? Are you hoping कि आपका नाम आए बार बार? सोचो 8 बार एक ही लड़के का नाम आए। मुझे ये था कि इस बार भी मेरी किस्मत खराब ना निकले और मेरा नंबर ही ना आए, क्योंकि लड़के इस बार रिपीट होने वाले थे। We will start the activity. सबसे पहले कौन जाएंगी वो डिसाइड करेंगे हमारे आइडियल मैच। बहुत ही अच्छा लग रहा था कि वो पावर से हम लोग हमारे लड़कियों को फेवर कर सकते थे, एंड आर गर्ल्स कुड पिक द ट्रिक ऑफ सीइंग द अदर पीपल डूइंग इट फर्स्ट। ये है आपका बे वॉच एक्टिविटी लिक एंड पिक। रेडी, लेट्स गो। हू इज गोइंग फर्स्ट? First is Ritu. Oh, why did you do this? Go on, Ritu, let's go. Yay! Ritu! I can't see anything. You can't see? No. Can you see this? Hiya! Hiya! No. Nobody says a word, no ishara, nothing. Ritu licking my guy, I was like, shit, ये गलत मेरे पे backfire हो गया। किस्मत, इनका भाई क्या क्या हो रहा है ये स्प्लिट्सविला में, मतलब क्या कनेक्शन है ये सारे। मुंह पे गार्लिक पेस्ट आया है, एक तो ऐसी वो चिकना है और ऊपर से उसके मुंह पे गार्लिक पेस्ट, मुझे लगा कि ऋतु का लगेगा कोई लड़की है। The boy is close to you. His body part is close to you.
आपके लेफ्ट पे। जब ऋतु सिद्धार्थ को लिक कर रही थी उसके चिक पे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था मैं उधर ही जाके वो गार्लिक पेस्ट उसके मुंह के अंदर डालूं और बोलूं कि बस। उस टाइम पे मैं सिर्फ ब्लश कर रहा था और बस सोच रहा था कि यार ये फटाक से कंप्लीट हो जाए। इट इज गार्लिक। क्या बोला, क्या चीज है ये? गार्लिक काइंड ऑफ कुछ पेस्ट है। गार्लिक पेस्ट इज द राइट आंसर। यस, यू गॉट 1 पॉइंट। ओके, कौन से बॉडी पार्ट में था? चीक्स इज द राइट आंसर। यस, 2। और ये कौन था यार? कंफ्यूज बिटवीन 2, इधर मोहित और इधर मोहित और बसीर आई थिंक। यू टू से वन नेम। मोहित। आप अपना ब्लाइंड फोल्ड उतार सकती हैं और जो भी था अपना हाथ खड़ा करो। सिद्धार्थ के चीक पूरे विला में सबसे छोटे थे और बहुत इजीली गेस कर सकती थी, और उसने गेस किया मोहित जिसकी इतनी बड़ी दाढ़ी है। हाउ डम कैन शी बी। ओके, नेक्स्ट ईशा। मैं ही मिली। ईशा। Mm-hmm. Who would you like to come up here today? I think Maddie. Hey. Oh. That's the first time I'm hearing Maddie as a first choice. Everybody keep quiet now. नाम पिक किया गया वाज हमारे अल्फा बसीर, घोड़े के दांत वाले। वो बड़े खुश था कि चलो मुझे ताली बजाने के अलावा कुछ तो मिला। Egg yolk. Ew. But actually, I was glad ki elbow nikla, nahi mera face ya shoulder ya neck or something. I was happy ki us basir ki koni pe lag raha tha egg yolk. Uska to muh main egg yolk mein dal deti. Agar mera bas chalta, shayad wo beautiful ho jata uske baad. Ab aapke muh ke aage hai. Teen inch aage hai. Okay, oh my god. इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था कि ईशा अब एग योक को लिक करने वाली थी। ओह माय गॉड। नीचे। मुझे टेस्ट बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था, यू नो, लाइक कुछ अजीब सा ही टेस्ट था। क्या क्या है ये? तो इंग्रेडिएंट क्या था? व्हाट डिड यू टेस्ट? आई थिंक मैंने को तो जिंजर टेस्ट हुआ। जिंजर टेस्ट, ओके। मैंने दो बार लिक किया फिर भी नहीं पता चल रहा था, तो मैंने लास्ट में मतलब जिंजर पेस्ट बोल दिया। और बॉडी पार्ट क्या था? एल्बोस। ओके, और बॉय कौन है? रिपुल। आप अपने ब्लाइंडफोल्ड निकाल सकती हैं। एक चीज करेक्ट था, एल्बोस। या इट वाज एल्बो। लेकिन egg yolk. Egg yolk मतलब कहाँ से? मतलब मैंने ज़िंदगी में कभी taste भी नहीं किया था egg yolk, इसलिए नहीं पता चला। खाया नहीं है तो smell तो आता होगा, कुछ तो दिमाग लगाती कि egg yolk के egg का smell है। और लड़का था बसीर। What? बसीर।